नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 29 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े डेली के टॉप 5 समाचार से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने निकाली रिक्तियां। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने MTS कार्यालय सहायक आशुलिपिक, कार्यालय अधीक्षक सहायक आयुक्त के 18 पोस्ट पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या 10+2 या BA या BCom या स्नातक या MBA या ICWA की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार के 9 जिलों में इंद्रधनुष योजना के तहत होगा टीकाकरण। बिहार के 9 जिलों में आने वाले समय में बच्चों को इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण अभियान शुरू किया जाने वाला है। भोजपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर और शिवहर में 8 फरवरी से नियमित टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इन जिलों के DM को मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत नियमित टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया है। 2 चक्र में टीकाकरण अभियान चलेगा। यह अभियान रविवार और राजकीय अवकाश को छोड़कर 7 कार्य दिवस में चलाया जाएगा। बिहार में बाईपास और फ्लाईओवर के लिए गाइडलाइन हुआ जारी। बिहार में बाईपास और फ्लाईओवर के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत सड़क या फ्लाईओवर चिन्हित होते ही अविलंब उसकी DPR बनाई जाएगी। अगर एलिवेटेड की जरूरत हुई तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम DPR बनाएगा, जिसके बाद अब 28 फरवरी तक सभी DPR विभाग को भेजने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2021-22 और 2022-23 में भी बाईपास को मंजूरी मिल जाएगी। यह निर्माण कार्य साल 2023 से 24 में पूरा किया जाएगा। नीतीश सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत बनने वाले बाईपास और फ्लाईओवर को लेकर बीते 4 जनवरी को ही पथ निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया था। राज्य के विभिन्न इलाकों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 120 बाईपास बनाए जाने हैं। बिहार में मार्च तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार में मार्च महीने तक महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इमरजेंसी बटन अनिवार्य रूप से लगाने को कह दिया गया है, ताकि अब रात में भी सफर करने में कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, स्कूली बसों में GPS सिस्टम लगाने को लेकर पूर्व से निर्देश जारी किया गया है, लेकिन इस निर्णय पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। नई पॉलिसी के बाद स्कूल में चलने वाली टैक्सी, ऑटो, बस या कोई भी छोटी बड़ी गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग लोकेशन सिस्टम और इमरजेंसी बटन अनिवार्य होगा। केंद्रीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा अब होगी 1 मार्च से। केंद्रीय विद्यालय में सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने वाली है। यह परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित किए जाने हैं। ऑफलाइन परीक्षा में सिर्फ उन छात्रों को ही शामिल किया जाना है जिनके पास ऑनलाइन के लिए डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 3 से 9वीं तक और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 1 से 20 मार्च तक चलेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टर्म एंड एग्जाम 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ परीक्षा शेड्यूल और पैटर्न की जानकारी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दे दी है, जिसके तहत अब kvsangathan.nic.in पर जाकर एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं। बिहार सरकार अब 1000 मालियों की करेगी नियुक्ति। भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में इस साल लगभग 1000 माली की नियुक्ति होने वाली है, जिससे करीब 25,000 रुपए प्रति महीने मिलने वाले हैं, जिसके बाद इनकी तैनाती पटना के सभी पार्कों सहित सरकारी भवनों में किए जाने हैं। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट ने इस बाबत 20 नवंबर 2019 को ही राज्य कैबिनेट ने 1000 माली का स्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत फिलहाल उद्यान प्रमंडल पटना इसकी नियमावली बनाने में जुट गई है। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद उद्यानों के संरक्षण और देखभाल के लिए सरकार ने उद्यान प्रमंडल पटना में माली के 1000 पद सृजित करने का फैसला किया है। अब आम लोग भी करा सकेंगे कोरोना वैक्सीन का पंजीयन।
बिहार समेत देश के सभी राज्यों में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आम लोग भी अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पंजीयन करवा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत आम आदमी भी संबंधित ऐप पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। इसकी शुरुआत 15 फरवरी के बाद होने की संभावना है। अब तक सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीकाकरण किया जा रहा था, जिसमें अब देश के आम नागरिकों को भी टीका लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए निर्देश के अनुसार 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और हाई रिस्क जोन वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। निबंधन के बाद मार्च से टीकाकरण की शुरुआत भी हो जाएगी। जबरिया रिटायरमेंट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हुई शुरू। बिहार सरकार ने अब 50 साल से अधिक उम्र के अयोग्य पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने वैसे अधिकारियों और कर्मियों के कार्यों की समीक्षा को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है, जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। जिसके तहत राजद के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि ये उस राज्य का तुगलकी फरमान है, जहां एक बड़ी आबादी को 40 से 45 वर्ष की उम्र में एकाधा नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और हां, अगर पैमाना हो तो शासनादेश से उत्पन्न इस सरकार को ही रिटायर हो जाना चाहिए। बिहार सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए किए 3 MOU पर हस्ताक्षर। राज्य में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग ने 3 संस्थानों के साथ 1 MOU साइन किया है। विभाग ने आद्री के सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी, बेंगलुरु के मंत्रा फॉर चेंज और दिल्ली के सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ ये करार किया है। इसके जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम शुरू करने वाली है। इस समझौते का मकसद स्कूल से बच्चों का ड्रॉप आउट कम करना और शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संचालित करना है। विभाग के साथ मिलकर ये संस्थाएं क्वालिटी एजुकेशन के साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग भी देगी। सरकार ने धान अधिप्राप्ति की समय सीमा में की बढ़ोतरी। धान अधिप्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहां इस बैठक में सरकार धान अधिप्राप्ति की समय सीमा को बढ़ाने के संबंध में फैसला ले चुकी है, जिसके तहत 31 जनवरी को धान अधिप्राप्ति की समय सीमा को अब बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले से निर्धारित तारीख तक धान की खरीदारी नहीं होने की वजह से किसानों ने सरकार से धान अधिप्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय मंत्री विजेंद्र यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर समय सीमा को बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस पार्क का यह नाम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी के सम्मान में दिया गया है। यह मूल रूप से एक चिल्ड्रन पार्क है। यहां बच्चों के घूमने और खेलने के लिए बहुत सी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियां और शांत वातावरण के कारण यह वयस्कों, बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। यह पार्क मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में स्थित है। लालू यादव की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज झारखंड हाईकोर्ट लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। आपको बता दें कि इन दिनों लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब चल रही है, जिसके कारण ही उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो रहा है। वहीं अस्पताल में रहने के दौरान ही लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी करने का शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल करने के बाद इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। 29 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध हो गया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू ने जमानत मांगी है। हालांकि दुमका मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई है। पिछले सुनवाई में सीबीआई की तरफ से लालू प्रसाद यादव की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने अभी तक अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है। बिहार में ठंड से अगले 3-4 दिनों तक कोई राहत नहीं। बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार के बाद ही ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक वर्तमान में अधिकतम तापमान ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन कनकनी से निजात जरूर मिलेगी। सूबे के दक्षिण भाग में कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद कहीं कहीं कोहरा भी देखने को मिलने वाला है। दोपहर बाद धूप के दर्शन होंगे। भारी ठंड की वजह से पटना समेत बिहार के 12 जिलों में शीत दिवस यानी कि कोल्ड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पीडीएस डीलर लड़ेंगे पंचायत चुनाव, न्याय शिक्षा मित्रों और आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लगी रोक। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इसके जिला अधिकारियों को पंचायत चुनाव संबंधी निर्देश दे दिया है। इसके अनुसार अब पीडीएस डीलर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी विक्रेता, कमीशन एजेंट, रिटायर्ड सरकारी सेवक, रेत यार्ड होमगार्ड जवान, एजीपी और
एडिशनल पीपी भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं मानदेय पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र न्याय मित्र विकास मित्र समेत अन्य कर्मी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। इसके अलावा जिनके नाम अर्हता सूची में नहीं आते हैं उनके नामांकन करने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। बिहार में बनेंगे 5 नए नगर निगम, कई क्षेत्र का होगा शहरीकरण। बिहार सरकार ने शहरीकरण की रफ्तार को तेज करने का फैसला लिया है। राज्य में 5 नए नगर निगम सहित 100 से ज्यादा नगर निकायों को बनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर पिछले साल दिसंबर महीने में ही लग गई थी। नवनिर्मित शहरी क्षेत्र में तमाम तरह की नागरिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, मशीनों के माध्यम से साफ सफाई, पार्क, सामुदायिक सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और कुछ आर्थिक विश्लेषक तंज कस रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार को पहले छोटे गांव, कस्बे और अन्य जगहों पर सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस ने साधा निशाना। खरमास के बाद से ही लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिसके तहत जहां एक तरफ बार बार जेडीयू की तरफ से हो रही देरी का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा जा रहा है, वहीं भाजपा बार बार जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कह रही है। अब इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि यह कहीं न कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। एनडीए के आपस में मिलजुल कर नहीं रहने के कारण आपसी मतभेद हो रहा है, यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहा है कि सरकार को तत्काल बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। 31 जनवरी तक ही मिलेगी किश्तों में बिजली बिल भरने की सुविधा। बिहार में बिजली बिल बकायेदारों के लिए किश्त में बिजली बिल जमा करने के लिए अब मात्र 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 31 जनवरी तक ही किश्त से बिजली बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। उसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी, साथ ही भुगतान नहीं करने पर बिजली भी काट दी जाएगी। दरअसल अभी तक 3 किश्त में बिल भुगतान करने की सुविधा दी गई थी, मगर अब बिजली कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि 1 फरवरी से बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान करना होगा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सरकार से रोजगार को लेकर पूछे सवाल। राज्य में रोजगार के लिए अब तक कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं, इसमें विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार में मत्स्य विभाग में भी 1448 में से 1057 पद खाली बताए गए हैं, जिसको लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने फेसबुक से अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 1448 में 1057 पद खाली, मछली उत्पादन की अपार संभावनाओं और रोजगार के बड़े साधन होने के बावजूद बिहार में नीली क्रांति फेल, काबिल युवा बेरोजगार क्यों। प्लूरल्स पार्टी की आरटीआई पड़ताल में दिख गया है कि मत्स्य विभाग में अधिकारी से लेकर लिपिक तक के लगभग सभी पद वर्षों से खाली पड़े हैं। सरकार इन पदों को कब तक भरेगी। सहरसा के मखाना और मधेपुरा के आम को मिलेगा वैश्विक बाजार। केंद्र सरकार के खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आई है। इसके अंतर्गत सहरसा और सुपौल के मखाना को शामिल किया गया है। पीएमएफएमई के तहत जो भी उत्पाद शामिल किए जाते हैं उन्हें संबंधित जिले से बाहर बाजार उपलब्ध कराए जाते हैं। इस व्यवस्था में किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी। दूसरी तरफ कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना का उत्पादन और भी बेहतर होगा। आपको बता दें कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के मखाने की मांग देश विदेश तक है। लालू यादव की स्थिति में हुआ सुधार। लालू प्रसाद यादव की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, जिसके तहत उनकी स्थिति को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अब उनकी तबीयत को लेकर एम्स दिल्ली ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत एम्स की तरफ से यह कहा गया है कि राजद सुप्रीमो की तबीयत खराब चल रही है, मगर डॉक्टर की टीम अभी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उनकी हालत अभी स्थिर बताई गई है। इसके साथ ही उनके सेहत पर नजर बनाए रखने के लिए डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम का गठन भी किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने 1528 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा आज ही के दिन किया था। देश के पहले समाचार पत्र हिकी गजट या बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर को कोलकाता से 1780 में प्रकाशन आज ही के दिन से शुरू हुआ था। भारत की सबसे पहली और 2 इंजन वाली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को 29 जनवरी 1979 को नई दिल्ली से आज ही के दिन हरी झंडी दिखाकर मद्रास रवाना किया गया था। क्रिकेटर विनोद कांबली का 1993 में टेस्ट में पदार्पण आज ही के दिन हुआ था। 29 साल 1967 को भारतीय अभिनेता बॉबी देओल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सिंधु बॉर्डर को खाली कराने की उठी मांग।
दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों का भी विरोध शुरू हो चुका है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने करना शुरू कर दिया है। कल स्थानीय लोगों ने सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों का विरोध कर उन्हें जगह खाली करने को कहा है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की मांग थी कि वो इस क्षेत्र को जल्द से जल्द खाली कर दे। एमआई इंडिया के साथ सोनू सूद ने मिलाया हाथ। एमआई इंडिया ने हाल ही में कमजोर वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा हर हाथ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के नंबर 1 स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी प्लेयर कंपनी एमआई ने लोकप्रिय अभिनेता और रियल हीरो सोनू सूद के साथ मिलकर एक नई पहल की घोषणा की है। बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गरीब और वंचित वर्गों के छात्रों को सक्षम बनाने के लिए ब्रांड ने ये साझेदारी की है। इस आंदोलन के जरिए देश भर के वंचित वर्ग के छात्रों की मदद करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसके साथ ही जो स्मार्टफोन की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करने में असमर्थ है, उनके सहयोग के लिए एमआई इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन दान करके हजारों छात्रों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद से ऋषभ पंत की फैमिली नए घर की कर रही है डिमांड। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुई बॉर्डर गवास्कर में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पंत ने टीम इंडिया को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 4 मैच की बॉर्डर गवास्कर सीरीज का आखिरी और निर्णायक टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला गया था, जिसे भारत ने रोमांचक तरीके से 3 विकेट से अपने नाम सीरीज कर ली थी। हालांकि जब से ऋषभ पंत वापस आए हैं तब से उनकी फैमिली नया घर लेने की बात कह रही है। इसके लिए उन्होंने अपने फैंस से गुरुग्राम के बारे में पूछा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी और को कोई और जगह पता हो तो वो भी जरूर बताएं। तेजस्वी के पटना नहीं आने पर मीटिंग हुई स्थगित। कृषि कानून के विरोध में राजद की तरफ से मानव श्रृंखला बनाए जाने का ऐलान किया जा चुका है। वहीं अब मानव श्रृंखला बनाने को लेकर ही बीते दिन महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, हालांकि बैठक हो नहीं पाई। मिली जानकारी के अनुसार राजद की बागडोर संभाल रहे तेजस्वी यादव इन दिनों पिता के इलाज को लेकर दिल्ली में है। वहीं उनके उपस्थित नहीं होने के कारण ही बैठक को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद मानव श्रृंखला बनाए जाने पर भी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि खबरों की माने तो अगली बैठक आज होने की संभावना जताई गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय प्रदीप, कुंदन कुमार, मनीष मोहरा, सुनील कुमार महतो, मनीष कुमार, राकेश कुमार, गजेंद्र सिंह, जितेंद्र गिरे, अमरेश कुमार, धर्मवीर कुमार, दिव्यांशु कुमारी, साहिल राज, रितेश ठाकुर, उदित नारायण मिश्रा, संतोष कुमार, सिंटू कुमार, प्रदीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए किसानों को अब अपना विरोध खत्म करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।